मतलब मैं उस स्टोरी का राइटर हूँ, तो मैंने एक स्टोरी लिखी जिसको मैंने 2015 में रजिस्टर्ड करा था। उसके बाद जो है उसे कई लोगों को एज ए राइटर डायरेक्टर मैंने पिच किया, और उसके बाद अभी देख रहा हूँ, मतलब किसी वजह से वो फिल्म शुरू नहीं हो पाई, और अभी उसी स्टोरी पे फिल्म आ रही है, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, जो कि सेम स्टोरी है, पूरा का पूरा 100% उन्होंने कॉपी किया है मेरी स्टोरी को। फिर हमने एक लीगल उनको नोटिस भेजा, सारे प्रोडक्शन हाउस, टी सीरीज़, बालाजी वगैरह जितने लोग हैं, 9 प्रोड्यूसर्स हैं। देन उनकी तरफ से जो नोटिस का रिप्लाई आया, तो उन्होंने अपना डेट मेंशन किया जिसमें कि हमारा 27 अक्टूबर 2015 को रजिस्टर्ड है। तो मेरा उनसे पहले का रजिस्ट्रेशन था जो कॉपी हुआ है। अब यही है मतलब उनके रजिस्ट्रेशन, देखिए मेरे पास रजिस्ट्रेशन कॉपी भी है, हाँ हाँ, ये मेरा रजिस्ट्रेशन कॉपी है। उस वक्त मेरा टाइटल था इश्क में रिस्क, जिसे मैं एज ए राइटर डायरेक्टर पिच कर रहा था। तो ये मेरा जो उनका हमारा जो नोटिस का जवाब आया है, मैं अभी डेट शो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये है, प्रूफ है। और जो उनका नोटिस का जवाब आया, पहले तो मैंने ये नोटिस भेजा था सारे प्रोडक्शन हाउसेस को, ये मैं आपको शो कर देता हूँ, सारे प्रोडक्शन हाउसेस के, हाँ मिल जाएगी, रेफरेंस के लिए मिल जाएगी। इसका सॉफ्ट कॉपी चाहिए या चलेगा? तो ये है आपका। तो उनका जो रिप्लाई आया ये प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ से, सबकी तरफ से आया है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस की? देखिए ये जो एडवोकेट हैं, मतलब जो ये कंपनी है नाइक एंड नाइक, तो ये उन्हीं का देखती है, बालाजी का भी देखती है, कई सारे बड़े प्रोडक्शन हाउस के देखते हैं, ये काफ़ी बड़ा नाम है उनका। तो उन्होंने इधर अपना डेट मेंशन किया है कि इतने तारीख को 27 अक्टूबर 2015 को उनका रजिस्टर्ड हुआ था राइटर एसोसिएशन में। तो मेरा रजिस्ट्रेशन इनसे पहले का है। सर अभी क्या बोलें सर, अब इस बारे में हमारे जो लॉयर हैं वो बोलेंगे। यस, blaming the producer, so it means, you know, the writer is somewhere more responsible as compared to the producer. इसके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जैसे हम किसी प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं तो हम उस चीज़ के ओनर हो जाते हैं जी। तो नेचुरली है कि अगर कोई भी क्लेम आदमी करता है तो ओनर पर करता है, तो वैसे हमारा क्लेम जो है वो प्रोडक्शन हाउस पे इसीलिए है। राइटर का आपने जो है थॉट प्रोसेस अगर आपने ले लिया है, उसको पे किया उसका रेमुनरेशन, तो इसका मतलब ये नहीं है, राइटर तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, उसके साथ में वो प्रोडक्शन हाउस भी रिस्पॉन्सिबल होगा। प्रोडक्शन हाउस ये कहकर अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं हो सकता है कि भाई हमको तो पता ही नहीं था कि इसके पहले किसी और ने ये स्टोरी यहाँ रजिस्टर्ड कराई हुई है। बात वो नहीं है, बात ये है कि एक राइटर के पास में असेट के रूप में उसका एक थॉट प्रोसेस होता है, एक क्रिएटिविटी होती है, जिस क्रिएटिविटी को वो कई सालों तक अपने दिमाग में लेकर वो जो है बुनता है, तब जाकर उसे वो अपने पेपर के माध्यम से, कलम के माध्यम से आप लोगों के सामने लाता है। तो उस क्रिएटिविटी को, उस मेहनत को रातों रात अगर कोई हाईजैक कर ले तो वो एकदम एकदम गलत है। किसी भी व्यक्ति के लिए उससे बड़ा और कोई भी जो है दुर्भाग्यशाली दिन नहीं हो सकता। आपने ये बात अभी अभी आपके सामने क्लियर कर दी है कि इनके कॉपीराइट के रजिस्ट्रेशन के बहुत पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब चूँकि लॉ के प्रोसेस में ये सारी बातें हैं, इसलिए हम आपको हर चीज़ माइन्यूटली और हर चीज़ आपके सवाल के अनुसार हम नहीं दे पाएंगे जवाब, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि उनके रजिस्ट्रेशन से पहले हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है। और सोल ऑफ द जो स्टोरी है हमारी, वो सोल ऑफ द स्टोरी जो है वो 100% मैच करती है, 100% मैच करती है। थोड़े यहाँ वहाँ सीन्स हो सकते हैं, कैरेक्टर्स एक दो कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो एक कहते हैं कि दो लाइन की स्टोरी आप मुझे सुनाई है, जैसे आप अपनी इंडस्ट्रीज में चलता है आप देखे होंगे, तो बेसिक स्टोरी आइड वो 100% मैच करता है। और आप खुद डायरेक्टर थे, राइटर डायरेक्टर उस प्रोजेक्ट के लिए बनना चाहते थे, किसी वजह से वो चीज़ें अभी आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन अब इनके थॉट प्रोसेस को अगर कोई रातों रात पिच कर ले
और इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस, उसको अगर इस बात की जानकारी ना हो तो मेरे दिमाग में वो बातें नहीं बैठती हैं। सर जी, आपसे एक सवाल है। यस, राज संडीला जी को आपने नरेशन दिया था जो उन्होंने कॉपी? सर, सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जब हम कोई स्टोरी लिखते हैं एज ए राइटर, तो उसको हम सबसे पहले रजिस्टर्ड कराते हैं, बिकॉज जब आइडिया बहुत यूनिक होता है तो हम किसी को भी सुनाने से पहले हम उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं। रजिस्टर्ड के बाद हमको हम थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमारी जो स्टोरी है वो कोई चोरी नहीं करेगा, क्योंकि एसोसिएशन जो है वो मतलब है, क्योंकि लॉ तो लॉ होता है। तो उसके बाद हम उसको पिच करते हैं, बिकॉज़ घर पे बैठ के तो हम फिल्म बना नहीं सकते हैं। तो उस वक्त मैं एज ए राइटर डायरेक्टर कई लोगों को पिच किया, कई सारे लोगों को मेल किया मैंने। अब उसी में से कैसे वो, क्योंकि जैसे नरेशन दिया था? नहीं, मैंने राज संडेलिया को नरेशन नहीं दिया। और एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, राइटर्स एसोसिएशन में आपने भी रजिस्टर कराई है, उन्होंने भी कराई? वो लोग कुछ इन्वॉल्वमेंट है उनका, या फिर वो जो आपकी जो कंप्लेंट है, क्या आपने राइटर एसोसिएशन को बताइए कि ऐसा ऐसा हुआ है, और क्या वो कोई एक्शन ले सकते हैं अपनी साइड से, अगर उस बारे में भी कुछ शेयर करें, उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आया? देखिए, पहले तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूंगा क्योंकि एसोसिएशन है, लेकिन मैं जब अपना कंप्लेन लेके एसोसिएशन के पास गया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा सर हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ जब तक हम फिल्म देखेंगे नहीं तब तक से हम आपका कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन आजकल जो ट्रेलर रिलीज होते हैं उसमें पूरी फिल्म का कहानी पूरा क्लियर करते हैं, क्योंकि आजकल जितनी भी फिल्में होती हैं ऑलमोस्ट। तो मैंने उनसे एक ही बात बोला कि अगर फिल्म रिलीज़ हो जाएगी तब आप क्या कर लेंगे, मेरा हक तो गया, मैं भाई जो मैंने मेहनत किया है, मेरा क्रेडिट भी गया, सब कुछ गया, तो आप क्या कर लेंगे? बोले तो अगर आपको अगर कोई एक्शन लेना है तो आप लीगल जाइए, तो हम लीगल जा रहे हैं। अमित गुप्ता जी, सर जी, इससे पहले आपका जो बॉडी ऑफ वर्क है थोड़ा सा बता पाएंगे क्या क्या इससे पहले आपने किया? राइटिंग स्क्रिप्ट? सर मैंने टीवी शोज किए हैं बहुत पहले, जब मैं 20 साल पहले, एक आता था सर पाप पुण्य का खेल बहुत पहले, ये शुरुआत मैंने आस्था से शुरू किया था। अच्छा, जब मैं आया था 20 साल हो गया मुझे इंडस्ट्री में, फिर उसके बाद मैंने फिल्में की कुछ, लतीफ़ एक फिल्म आई थी जो कि रियल डॉन लतीफ़ के ऊपर जो है वो बनी थी, नवाज़ वाली नहीं। अच्छा। जो रियल लतीफ़ पे बनी थी, जो गुजरात के डॉन थे। अच्छा। तो उनके ऊपर जो बायोपिक थी तो वो मैंने लिखी थी, वो 2014 में रिलीज़ हुई थी। अच्छा। उसके बाद अभी फैज़ल खान एज ए डायरेक्टर जो डेब्यू किया उन्होंने, तो फैक्ट्री मैंने लिखी है। अच्छा। फिर अभी बहुत सारी फिल्में आ रही है, एक फिल्म आ रही है हथौड़ा, जो कि उसको एज ए राइटर डायरेक्टर कर रहा हूँ मैं। अभी मैंने एक सॉन्ग किया है जो 100% BFX है, वो म्यूज़िक वीडियो है, जो कि शायद अभी तक इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किसी ने किया नहीं है, क्योंकि 100% BFX बहुत मुश्किल होता है और एक म्यूज़िक वीडियो के लिए। तो है सर, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यस सर, मैंने अभी आपसे कहा कि मैं अभी रिसेंट में एक म्यूज़िक वीडियो किया है मैंने, जिसका पोस्ट में मैं बहुत बिजी था, BFX में बहुत टाइम लग गया मुझे, 2.5 महीना मुझे सिर्फ BFX में लग गया, तो मैं उसमें बिजी था तो जो है चीज़ें देख नहीं पा रहा था। तो मुझसे किसी ने कहा कि एक फ़िल्म का ट्रेलर आया, मेरे एक म्यूज़िक डायरेक्टर, उन्होंने कहा, तो मैंने वो ट्रेलर देखा, वो जैसे ही देखा तो मुझे शौक लगा कि ये तो सब कुछ मेरा ही है, तो उसके बाद मैंने एक्शन लेना शुरू किया। यस, नहीं बिल्कुल नहीं सर, ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए नहीं है, हम अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। हमारे साथ में कॉपीराइट्स का वायलेशन हुआ है, जिसके लिए हम कोर्ट को अप्रोच करने जा रहे हैं, और जल्द से जल्द हम कोर्ट को अपनी बातें रखेंगे, और हमें न्याय प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है। सर और कोई तो रास्ता नहीं है न्याय पाने का, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे साथ में न्याय होगा, और मुझे अपनी जुडिशरी पे पूरा भरोसा है कि वो मेरी बातें सुनकर कोई ना कोई एक अचूक निर्णय लेंगे। सर ऐसा कुछ हुआ है कि वो लोग आपके लिए कोई स्क्रीनिंग रखे फिल्म के, क्योंकि अभी सब ट्रेलर आया है, हो सकता है वो ना भी हो जो आप बोल रहे हो? नहीं, आपने ऐसा डिमांड किया कि हमारे लिए एक स्क्रीनिंग रखी जाए फिल्म की? नहीं, उन्होंने हमसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया, उन्होंने सीधा नोटिस का हमारे जवाब दिया है,
जिसमें उन्होंने अपना डेट मेंशन किया है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, क्या भेजा उन्होंने। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी जो है मतलब ऐसे जा सकते हैं आराम से, जैसे जो कानूनी प्रक्रिया है, जैसा हमारे सर ने बोला और हमारी न्यायपालिका उन पर भरोसा है, और आप भी समाज का चौथा स्तंभ है, मतलब आप लोग हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि जो है मुझे भी एक न्याय मिल सके, क्योंकि अच्छी स्क्रिप्ट लिखने में, अच्छी स्टोरी लिखने में बहुत मुश्किल होता है, अच्छा यूनिक आइडिया आने में मतलब बहुत वो लगता है, और अगर मेहनत जा रहा है आपका तो मतलब है। और बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे जैसे जो लोग खड़े नहीं हो पाते हैं उनके अगेंस्ट, क्योंकि सब बड़े बड़े नाम हैं इंडस्ट्री के। मैंने हिम्मत की है कि भाई थोड़ा सा मतलब चीज़ें वो हो, बाकी आप लोग। लेकिन सर पूरी पिक्चर कंप्लीट हो गई, कंप्लीट होने के बाद कॉन्सेप्ट उन्होंने चुरा लिया है, और चुराने के बाद ये सर जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी चीज़ है, जब आप देखेंगे नहीं, कम से कम ट्रेलर से आपको पूरा आइडिया हो जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि आजकल जो ट्रेलर बनता है वो 3 से 3.25 मिनट 3.5 मिनट का बनता है, तो ट्रेलर में ऑलमोस्ट स्टोरी क्लियर कर दी जाती है, क्योंकि ये कैसे हुआ बस वो ऑडियंस वो जान मतलब जानने के लिए वो देखने जाती है, क्योंकि एक्साइटमेंट छोड़ने के लिए पूरा हम ट्रेलर वैसा ही काटते हैं आजकल। तो अभी जैसे कि कोई फिल्म बनती है तो जल्दी उसकी स्टोरी कोई डिस्क्लोज नहीं करता, क्योंकि वो प्राइवेसी उनकी, अब उन्होंने कब बनाई कैसे बनाई वो उनका है सर। लेकिन मेरी मैंने एक लाइक एक लैंड खरीदा था जिसमें आज उन्होंने टावर या जो भी खड़ा किया है, तो वो अब किसने उनको फर्जी डॉक्यूमेंट दे के किया है वो अलग बात है, लेकिन मेरा रजिस्ट्रेशन पहले का है, तो मतलब मुझे लगता है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा चीज़ चोरी हुआ है, और चोरी जो हुआ है वो आप समझ सकते हैं कैसे होता है। एक चीज़ जो है 10 लोग तक जाती है, आप जब कोई PPT बनाते हैं प्रेजेंटेशन तो एक प्रोड्यूसर को भेजते हैं तो वो 10 लोग को दिखाता है, उसमें से होता है PPT में सारी स्टोरी क्लियर होती है। सर सर आगे क्या एक्शन लेने का प्लान है उसके बारे में बता दें। 100% हम लोग जो है हाई कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि कॉपीराइट का वायलेशन हाई कोर्ट में ही जाता है, और 100% कुछ ही हम दिनों में, शायद 2-1 दिनों के अंदर ही हम ये सूट फाइल करके इसमें तुरंत का तुरंत हम जो है जुडिशरी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर वो एक अप्रोप्रिएट एक्शन लें, और अप्रोप्रिएट एक्शन लेकर इस चीज़ को क्लियर करें कि अगर हमारी चीज़ को पिच की गई है, हमारी चीज़ों को दिखाई गई है, तो हमें कैसे प्रोटेक्शन मिल सकता है, उसको किस तरह से हम अपनी बात को रख सकते हैं, वो हम पक्का करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।